अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनुरोध करते हैं, प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, टज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पे रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगती, और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते, इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था, सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगती। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पाने का व्यवस्था करती। उन दोनों पंछियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी, उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था और चिड़ियों को, पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाने, यह सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था, और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते, और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था, और साथ ही वह आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है, वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के, इसी तरह बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह दो दिन बीतते हैं, तीन दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत जाती है। अब जब वो पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं, और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आस पास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं, तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी, वो कहाँ गई, हमने कितना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं, अब हम क्या करें। उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश कर लिया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली, एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में, हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं, और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वो पंछी अपने पंखों के खड़खड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं, उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वो दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। एक घंटा बीतता है, दो घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते एक महीने बीत जाते हैं, उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहे। ये चीज देख के महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मानूंगी मैं वो दूंगा, मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूं, छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं,
तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए, आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है, अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है, मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ। तुम और कुछ मामलों तक उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ, उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूकूं। तब वो दोनों पंछी दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मानोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। तब महादेव ने कहा, हे पंछियों, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूं। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने और उस बूढ़ी माँ के क्षत विक्षत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए, वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई।